अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद अहसन आज, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोज आपको बर वक्त हासिल होती रहें। मोहब्बत को किसी माजी के लम्हे से कोई मतलब नहीं होता। मोहब्बत एक सहीफा है, ये था और थी नहीं होती, ये होती है, सदा होने को होती है। किसी को ख़ास करके बहुत आम कर देना, किसी से पहरों बातें और सुबह से शाम कर देना, किसी को भूलना ऐसे कि जानते न थे, अजब है मोहब्बत का खुद अंजाम कर देना। दोस्तों, जब आपके सुकून का ताल्लुक किसी शख्स से हो तो यकीन जाने फिर आप सुकून में नहीं रहते। वो बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी उतना, मगरूर भी उतना और मुझसे दूर भी उतना। वो जो कहता है खुश रहा करो, उसको कहो कि फिर मेरे साथ रहा करो। आंखें बंद करके तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करने के सिवा मेरे पास तुमसे मिलने को कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारा दिन लग जाता है खुद को समेटने में, फिर रात को तेरी याद की हवा चलती है और हम बिखर जाते हैं। बेपनाह मोहब्बत है मुझे एक बेपरवाह शख्स से, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। ज़िंदगी में एक बात मैंने सीखी है कि जब तक आप एक पहेली, एक तजस्सुस बने रहेंगे, आप लोगों के लिए अहम रहेंगे। जहां आपने किसी को अपना समझ के अपना आप उसके आगे खोल दिया, बस वही आप एक फालतू और गैर अहम इंसान बन के रह जाएंगे। सो अपना भरम कभी किसी के आगे मत खोलिए, क्योंकि बहुत कम लोग इस अपनायत को, उसकी अहमियत को समझते हैं। वरना अमूमन हर कोई पहेली सुलझाने के लिए ही साथ होता है। कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बे इंतहा मोहब्बत, एतमाद, इज्जत, एहतराम, खलूस से भी अपने नहीं होते, शायद उन्हें मोहब्बत की तलब ही नहीं होती। दोस्तों, ज़िंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजे कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक देता है। आप तो साल बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। मुझे नहीं मालूम वो पहली बार कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा नहीं लगा। दिल चाहता है बोलूं कुछ इस कदर गहरा कि सुन तो सब ही पाए, मगर समझो सिर्फ तुम। ताल्लुक अगर रूह का हो तो दिल नहीं भरा करते। याद रखिएगा, महबूब एक ही होता है और एक तकसीम नहीं होता। ये मोहब्बत क्या है उस शख्स से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी इंतज़ार किया हो। तू याद कर या भूल जा, तू याद कर या भूल जा, तू याद है ये याद रख। मजबूरियां ना बताओ मुर्शेद, तस्लीम करो बेवफा हो तुम। अजीब है मेरा अकेलापन भी, न खुश हूँ न उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। मुझे शौक़ था कि मिलूँ तुझे, मुझे खौफ भी था कहूँगा क्या। मुझे शौक़ था कि मिलूँ तुझे, मुझे खौफ भी था कि कहूँगा क्या। तेरे सामने से निकल गया पर सहमा सहमा, डरा डरा। ज़्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता, न रिश्तों की मिठास, न उनका एहसास, ना ही उनकी कदर की जाती है। बस एक जहनी फरेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे कि हम। लेकिन दोस्तों, हकीकत बड़ी ही दिलखराश होती है। और याद रखना, अल्लाह तुम्हें इंसान की मोहब्बत से गुजार कर खुद तक लाता है। हम जो तेरे बगैर जिंदा हैं, सब दिखावा है, दुनियादारी है। कितनी खूबसूरत हो जाती है ज़िंदगी जब दोस्त, मोहब्बत और हम सफ़र एक ही इंसान हो। जो आंसू ना होते आँखों में, तो आँखें इतनी खूबसूरत ना होती।
जो आंसू ना होते आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, जो दर्द ना होता दिल में तो खुशी की कीमत पता ना होती, जो बेवफाई ना की होती वक्त ने तो वफा की कभी चाहत ना होती, अगर सोचने से पूरी हो जाती मुरादें, अगर सोचने से पूरी हो जाती मुरादें तो दुआ की कभी ज़रूरत ना होती, जो आंसू ना होते आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, जो दर्द ना होता दिल में तो खुशी की कीमत पता ना होती, तो खुशी। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ही कहते हैं सैयद एहसनास, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।